फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके पास एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज आपके कंपटीशन के लिए बेस्ट रहेगा। आप इसको फॉलो करिए, आपके कंपटीशन एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम दोनों प्रिपेयर होते रहेंगे। इसका जो सिलेबस है वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। उस सिलेबस का जो पहला मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल 1, डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स में हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। डीसी सर्किट में जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स में हम क्या देखेंगे, RLC मेंशन है। R मीन्स रेजिस्टेंस, L मीन्स इंडक्टेंस एंड C मीन्स कैपेसिटेंस। यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डीसी का फुल फॉर्म देखते हैं। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, और सर्किट्स तो हमारा क्या होगा, इन RLC और वोल्टेज सोर्स का जो इंटरकनेक्शन होगा वही सर्किट होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और इसका जो डेफिनेशन है, जो इसका स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट। मीन्स कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। यानी कोई कंडक्टर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है क्या कि वो अपोज करेगा जब उसमें करंट फ्लो होगा। हम इसको इसके फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ के। तो यहाँ पर हमने लिखा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर A इंडिकेट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जिसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, और L क्या दिखा रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसकी यूनिट है मीटर। अब हम 1 और 2 को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इक्वल्स टू साइन आएगा, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे क्या, रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर मटेरियल का होगा, यानी किस टाइप का कंडक्टर है, किस टाइप का कंडक्टर है वो इसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। आइए हम देखते हैं आगे। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम लेंथ पता हो, एरिया पता हो और उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू, उसका रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। इस रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी ओम मीटर। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी ओम मीटर कैसे हो गई। हमें पता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ से हम रो निकाल लेते हैं, रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। यहाँ पर R की यूनिट है ओम, A की यूनिट मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट हो गई मीटर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो रो की वैल्यू आ जाएगी, रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। नाउ अब रजिस्टर हम देख रहे हैं, इसके केस में जो हमारे पास वोल्टेज इक्वेशन बनता है वो क्या है, जो वोल्टेज इक्वेशन आएगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। ओम्स लॉ ने दिया था, ओम्स लॉ हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्टेज इक्वेशन आएगा वो आएगा V इज इक्वल्स टू IR, जिसकी यूनिट होगी वोल्ट। नाउ रजिस्टर के केस में हम करंट इक्वेशन देखते हैं। करंट इक्वेशन क्या होगा, जो हमारा करंट इक्वेशन होगा वो वोल्टेज इक्वेशन से मिलेगा। वोल्टेज इक्वेशन से जो करंट इक्वेशन क्या है, हम वोल्टेज इक्वेशन यहाँ से लिए, यहाँ से हमने करंट निकाल लिया, तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ये है आपका इसका यूनिट। अगर हमें करंट निकालना है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आइए हम पावर निकालते हैं। अगर उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में हमें पावर निकालना है तो ये पावर के दो
फॉर्मूले हैं जिसमें रेजिस्टेंस दिए हैं। पहला है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा है वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों फार्मूले में रेजिस्टेंस है, यानी ये दो फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हो, वैल्यू दिया हो, और उसके अक्रॉस या तो करंट पता हो या वोल्टेज पता हो, तो हम यहाँ से पावर निकाल लेंगे। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें एक और इक्वेशन मिलता है पावर का, जिसमें रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता हो और करंट पता हो तो हम वहाँ से पावर निकाल सकते हैं, जिसकी यूनिट है वाट। ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये बेसिक है इस रेजिस्टेंस के लिए। अब हम यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं, कंडक्टर। चलो इस कंडक्टर को समझते हैं, कंडक्टर है क्या। कंडक्टर को समझने के लिए हम यहाँ पर एक टर्म लिखे हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है इसको समझिए पहले। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, और ये होता क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। यानी ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अलाउ करती है। यानी करंट अगर अलाउ, करंट यानी फ्लो हो जा रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब, या रजिस्ट हो रहा है इसका मतलब वो रजिस्टेंस है। तो यहां से हम कंडक्टेंस देख सकते हैं। अब कंडक्टेंस और रजिस्टेंस में एक रिलेशन है, वो क्या देखते हैं, वो यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है। जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग रो एल बाई ए हमने लिख दिया। यहाँ से हमने वन बाई रो एक साइड कर लिया, ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा ए अपॉन एल, और ए अपॉन एल इंटू वन अपॉन रो क्या होगा, कंडक्टेंस। यहाँ पर वन अपॉन रो को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रो को लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल। तब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, नया फॉर्मूला क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। जो हमारे पास नया फॉर्मूला आएगा, G इज इक्वल्स टू वन अपॉन रो ए अपॉन एल, यहां से हमने लिखा है। अभी हमने बताया है वन अपॉन रो को हम सिग्मा कहेंगे, यानी कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, G इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एल, ये है कंडक्टेंस का फॉर्मूला। और कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस की यूनिट होगी सीमेंस या MHO, मो भी बोलते हैं। आइए अब जो हमारे पास सिग्मा आया है यानी कंडक्टिविटी आया है, इस कंडक्टिविटी की यूनिट देखते हैं क्या आता है। इस कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, फ्रॉम दिस G इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एल, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, G L अपॉन A। G की यूनिट यहां से उठाएंगे, दैट इज सीमेंस। L की यूनिट मीटर एंड A की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, सीमेंस पर मीटर, या इसको हम कहेंगे सीमेंस मीटर इनवर्स। ये यूनिट है हमारी कंडक्टिविटी की। अब ये मैंने आपके पास एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया रेजिस्टेंस के बारे में एज वेल एज कंडक्टेंस के बारे में। मैं आपको बता दूं इसके आगे का पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।